सो दिस टाइम वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। 10th केमिस्ट्री के लिहाज से ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चैप्टर्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी। तो यहाँ पर और बच्चों को बहुत डाउट होता है भाई इस चैप्टर में, तो इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि सर ये चैप्टर तो जरूर बनाइए, सबसे पहले इसी चैप्टर को बनाइए। तो मैंने ऐसे मतलब स्प्लिटेड वीडियोस काफी सारे बना रखे हैं इसके ऊपर कि भाई आईयूपीएसी नेम्स के ऊपर नॉमेनक्लेचर कैसे करा जाता है, ठीक है, एस्टरीफिकेशन, इसके अलावा कहो तो कैटिनेशन, मतलब हर एक टॉपिक के ऊपर ऑलमोस्ट वीडियो बना दिए हैं। पर यहाँ पर मैंने शुरू किया है कि भाई कुछ बेसिक जो इसका फंडामेंटल है ये क्लियर कर दिया जाए, तो उसके बाद बच्चे जो है काफी अच्छे से चैप्टर को कर पाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर शुरू किया आप लोगों के लिए। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर इस चैप्टर को, यस आज हम इस चैप्टर को तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो यहां पर ये सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम कार्बन को ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इस 10th स्टैंडर्ड में इतने इंपॉर्टेंट ईयर में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, 100 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में, पर इसमें हम कार्बन को ही क्यों पढ़ रहे हैं। तो कुछ तो इसकी खास बात होगी, कुछ तो इसका वर्सेटाइल या यूनिक नेचर होगा। इसका यूनिक नेचर क्या है, देखो इट कैन फॉर्म ऑलमोस्ट इनफिनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स, यानी ये बहुत सारे इतने कंपाउंड्स ये फॉर्म कर सकता है ना कि बाकी एलिमेंट्स मिलके भी इतने कंपाउंड्स नहीं फॉर्म कर सकते जितना अकेला कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। ओके, सो स्टार्टिंग विथ कार्बन, कार्बन का सिंबल है सी और कार्बन को टेट्रावेलेंट एलिमेंट कहा जाता है। क्यों टेट्रावेलेंट बोलते हैं थोड़ी देर में हम जान जाएंगे। ओके, कार्बन का मास नंबर क्या है, मास नंबर होता क्या भाई, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी भी एटम का, कम ऑन, क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम मास नंबर कहते हैं। सो कार्बन का मास नंबर क्या है, 12, इसमें कितने प्रोटॉन्स है, 6, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स है, 6, एंड व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर भी है 6, यानी एटॉमिक नंबर का मतलब क्या, कितने प्रोटॉन्स है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज कितने जितने प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो कार्बन का मास नंबर इज 12, दैट इज इट इज हैविंग 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स, सो 6 प्लस 6 इज 12 एंड एटॉमिक नंबर इज 6 बिकॉज इट इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। बोलते रहो भाई मेरे साथ, बोलते रहो, एनर्जी बनी रहेगी। ओके, इसके बाद स्टार्ट करते हैं यहां पे, अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल कार्बन के अंदर तो उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन वेरियस शेल्स, दैट इज 2.4, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में कितना, कम ऑन, 4 इलेक्ट्रॉन। सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर कार्बन इज व्हाट, इट इज 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया तो वैलेंसी भी क्या हो गई, वैलेंसी भी हो गया 4। सो कार्बन का वैलेंसी 4 है, इसलिए कार्बन को क्या कहा जाता है, टेट्रावेलेंट एलिमेंट। वैलेंसी 4 का मतलब क्या, अब जैसे इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है कि भाई ये इसको अगर केमिकली स्टेबल होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भाई, सेकंड ऑर्बिट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करना होगा, या तो कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन मंगा ले, या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, मतलब एनी हाउ, चाहे वो अगर लूज भी कर रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, गेन भी कर रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, शेयर भी करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर। तो वैलेंसी क्या हो गई, वैलेंसी हो गया 4, इसलिए कार्बन को क्या कहा जाता है, टेट्रावेलेंट। टेट्रा यानी क्या, टेट्रा यानी 4 एंड वैलेंट का मतलब वैलेंसी। सो कार्बन वो एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 4 है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टेट्रा वैलेंट एलिमेंट। ओके, यहां पर कार्बन का मैंने एटम ड्रॉ कर दिया, ध्यान से देख लो इसको, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहां पे होते हैं भाई, न्यूक्लियस के अंदर, 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स दिख रहे होंगे आपको, और जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्स्ट वाला ऑर्बिट में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, देखो यहां पे 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और सेकंड वाले में कितना है, 1 2 3 एंड 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए सेकंड ऑर्बिट में। ओके, तो बेसिक लेवल पे हमने कार्बन के बारे में समझ लिया। एक और बार देख लें, कार्बन का सिंबल है सी और इसका मास नंबर है 12, यानी क्या, यानी कि 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स है, which is making the mass number 6 plus 6 as 12, और यहां पर atomic number of carbon is what, it is 6, that means कितने electron, 6 electron, या फिर कितने proton, 6 proton, okay, atomic number अगर 6 हो गया, तो electronic configuration क्या हो गया, 2.4, यानी outermost में कितना, valence shell में 4 electron, valency becomes, अगर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो वैलेंसी भी क्या हो गई, 4 हो गई, इसके लिए कार्बन को हम टेट्रा वैलेंट कहते हैं। दिस इज द कार्बन का एटम। अब इसमें हम समझते हैं
कि कार्बन सबसे पहले हमको यहां चैप्टर में यही सीखना है अब कि कार्बन इतने सारे जो कंपाउंड फॉर्म कर पा रहा है, ये जो इसका यूनिक नेचर है ये किस वजह से है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसमें पहला है टेट्राकोवेलेंसी। टेट्राकोवेलेंसी का मतलब क्या, अभी तो मैंने टेट्रावेलेंट बताया था, टेट्राकोवेलेंसी क्या है, ठीक है, चार रीजंस दिए हैं, टेट्राकोवेलेंसी, कैटिनेशन, पॉलीमराइजेशन और आइसोमेरिज्म। अब इसमें सबसे पहले टेट्राकोवेलेंसी, टेट्रा यानी क्या, टेट्रा यानी फोर, तो कार्बन की वैलेंसी है फोर, इसका ये मतलब है। और कोवेलेंसी का मतलब क्या, कोवेलेंसी मतलब कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करने की एबिलिटी, एंड इट कैन ओनली फॉर्म, ओनली इट कैन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोवेलेंट कंपाउंड्स का मतलब क्या है, दिमाग दौड़ाओ। दो टाइप के कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं, एक आयोनिक कंपाउंड और एक कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड वो होते हैं जो एक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे एटम में जाता है और कैटायंस एनायंस फॉर्म होते हैं और फिर दोनों बॉन्ड बन जाते हैं, जैसे NaCl, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला, क्लोरीन में गया, दोनों का ऑक्टेट पूरा, और ये NaCl जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड बना, NaCl को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। यहां पर कोवेलेंट कंपाउंड यानी क्या, वो कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कंपाउंड, कम ऑन, जो कंपाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उनको हम क्या कहते हैं, दोस कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स। यहां पर हमको क्या कहा जा रहा है कि कार्बन की वैलेंसी फोर है और इसकी एक खूबी है कि ये सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड यानी सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही कंपाउंड फॉर्म कर पाता है। ओके, तो यहां पर हमको दो चीज समझनी होगी, क्या क्या, कि ये इलेक्ट्रॉन अगर सिर्फ शेयरिंग कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता ना ही एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कार्बन जो है व्हाई कांट इट डोनेट फोर इलेक्ट्रॉन्स, इसमें चार इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का ऑप्शन क्यों नहीं होता, ये हमको देखना होगा। और क्यों नहीं ये चार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो खुले होने चाहिए। ओके, तो यहां पर हम ये दोनों चीजें देख लेंगे कि क्यों कार्बन सिर्फ शेयरिंग करता है, डोनेट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन। ओके, सो व्हेन यू से इट इज नॉट डोनेटिंग फोर इलेक्ट्रॉन, क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज अगर कार्बन की बात करें, वो अगर ये चार इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में किसी भी एटम को ना बहुत सारी एनर्जी जो है उसको लूज करनी होती है, तो यहां पर जब वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसको काफी एनर्जी लूज करनी होगी, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा डबल एनर्जी लूज करनी होगी, तीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हालत खराब हो जाएगी, भाई हालत खराब सुन के हालत खराब हो रहा है, चार इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होगा इसकी तो भाई मर जाएगा ये छोटा सा एटम। सो फॉर अ स्मॉल एटम लाइक कार्बन डोनेटिंग फोर इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर कोई बड़ा कोई एटम होता, जैसे कि चार वैलेंसी वाले दूसरे एटम भी है, सिलिकॉन है, ठीक है, तो यानी कि वो एलिमेंट्स अगर चार इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उनके पास उतनी एनर्जी है वो उसके लिए, यहां पर इतना छोटा सा एटम है और उसको चार इलेक्ट्रॉन डोनेट करना हो इसकी हालत खराब हो जाएगी, इसके लिए चार इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, तो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी तो कर सकता था, एक्सेप्ट करने में तो एनर्जी नहीं जाती दोस्तों, ये बात सही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता था यहां पर इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को कौन होल्ड करता है एटम के अंदर, ये पॉजिटिव सेंटर, ये जो प्रोटॉन्स दिख रहे हैं ना, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज है नहीं, सो न्यूक्लियर चार्ज बनता है प्रोटॉन की चार्ज से। अब यहां पे 6 प्रोटॉन ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है, ध्यान देना इस बात पे, 6 प्रोटॉन ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है, देखो पॉजिटिव सेंटर, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, अपोजिट चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ा होगा, सो 6 प्रोटॉन इज ऑलरेडी होल्डिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन और मंगाता है, एक्सेप्ट करता है अगर, तो क्या होगा, 6 प्रोटॉन्स को 7 इलेक्ट्रॉन नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, 6 और कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये बैलेंस नहीं बनेगा, इसलिए यहां पर ना तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए, ना ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जाएगा बहुत सारी एनर्जी लगेगी, ये उतना भाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उतना एनर्जी दे नहीं पाएगा, और बिकॉज इट इज अ स्मॉल एटम, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज 6 प्रोटॉन्स कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दिक्कत आ जाती है दोस्तों कि वो सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। सो दिस एबिलिटी, ये जो एबिलिटी है भाई, ये सिर्फ कार्बन में है, टेट्राकोवेलेंसी यानी वैलेंसी 4, ये कोई बड़ी बात नहीं है,
कोवेलेंसी बड़ी बात है, यानी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कंपाउंड फॉर्म करना, ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। दोस्तों नेक्स्ट जो रीजन है व्हाई दिस कार्बन इज फॉर्मिंग सो मेनी कंपाउंड्स, उसका दूसरा रीजन है कैटिनेशन। नाउ व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन मतलब मैं पहले अभी वर्बली बता देता हूं, आप इसको लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग, द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन, टू फॉर्म ब्रांचेस और टू फॉर्म क्लोज स्ट्रक्चर्स। तो यानी कि कार्बन के पास वो खूबी है कि वो अपने ही जैसे एटम से लंबे चेन्स शेयर करके बना सकता है, ठीक है, ब्रांचेस बना सकता है, चाहे जितने चाहे उतने लंबे, और इसका कोई लिमिट नहीं, ऐसा नहीं कि 8 या 10 कार्बन, ये एन नंबर ऑफ कार्बन को जोड़ सकता है और लॉन्ग चेन, ब्रांचेस और रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कैटिनेशन। कार्बन के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी है, पर कार्बन में भी ये प्रॉपर्टी है। सो व्हाट इज कैटिनेशन? द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ब्रांचेस और रिंग स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। भाई नोट करते जाओ इसको। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन यानी क्या? पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है, अब जैसे कुछ कंपाउंड्स है जिनको मोनोमर कहा जाएगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मोनोमर कहा जाता है। तो जैसे मान लो कि मैंने ये एक कंपाउंड लिया, कार्बन का एक कंपाउंड है, ओके, दिस इज कॉल्ड इथीन। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, दिस इज कॉल्ड इथीन। और ये जो इथीन है, ये जो इथीन है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे इथीन को, एन नंबर ऑफ इथीन को आपस में जोड़ा जा सकता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। और ये एक लंबा चेन वाला एक ऐसा ही मॉलिक्यूल, एक बड़े चेन वाला इथीन जैसा मॉलिक्यूल दिखेगा। एंड अगेन, क्योंकि यहां पर इथीन जो है आपस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के एक बड़ा चेन बना दिया गया, नाउ दिस इज कॉल्ड पॉलीथीन। दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? पॉलीथीन। भाई बोलते जाओ, आवाज नहीं आ रही, आवाज यहां तक आनी चाहिए। सो दिस इज पॉलीथीन, ओके। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट या द प्रोसेस इन विच मोनोमर्स, मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स कैन बी अटैच टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल कॉल्ड पॉलीमर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? पॉलीमराइजेशन। तो दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस है। कैटिनेशन मतलब ये किसकी प्रॉपर्टी है? कार्बन एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, उनके एटम्स की प्रॉपर्टी है। बट व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? पॉलीमराइजेशन किसकी प्रॉपर्टी है? कार्बन के काफी सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी है। इथीन बनता है पॉलीथीन, एस्टर बनता है पॉलिस्टर, और ऐसे करके बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं जो आपस में लिंक करके नए नए कंपाउंड्स फॉर्म करते रहते हैं। तो देखो यहां पर हम रीजन पढ़ रहे हैं कि क्यों कार्बन इतने सारे कंपाउंड फॉर्म कर पा रहा है। तो इसका पहला खूबी देखा कि इसके पास शेयरिंग करने की बहुत जबरदस्त एबिलिटी है, जो हमको इन दोनों आगे के दोनों पॉइंट से हमको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म। दोस्तों आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमर्स का मतलब है कि कार्बन के काफी सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सेम फॉर्मूला रखेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखेंगे और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स बनाएंगे। जैसे अगर मैं कहता हूं C5H12, नाउ व्हाट इज दिस C5H12? इसको कहते हैं पेंटेन। नॉर्मली दिस इज कॉल्ड पेंटेन। ये सब हम IUPAC नेम में, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने ये चीज बताई गई है, ठीक है, आप वो देख सकते हो। सो दिस पेंटेन, अब मैं इसको अलग अलग तरीके से बना सकता हूं। यहां पर देखिए, अगर मैंने कार्बन, 5 कार्बन को ऐसे जोड़ दिया और उसके बाद जो बाकी वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से पूरी कर दी, तो यहां पर देखिए दिस कार्बन इज फॉर्मिंग अ कंपाउंड जो C5H12 का इसका नाम है, यानी एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। पेंटेन को मैं एक और तरीके से बना सकता हूं। दोस्तों यहीं पे देख लेते हैं, पेंटेन जो है, देखो यहां पर मैंने 4 कार्बन बनाए, 1 कार्बन को इधर से एक्सटेंड कर दिया और यहां पर बाकी वैलेंसी को मैंने हाइड्रोजन से पूरा कर दिया। तो इसमें भी देखो, अब दिस इज ऑल्सो C5H10 और अब ये पुराने वाले मॉलिक्यूल से अलग है। तो यानी दो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म हो गए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं, कार्बन क्यों ना इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करे। भाई एक ही तरीके की बॉन्डिंग से अलग अलग अगर चेन इधर उधर बिगड़ गया तो नया कंपाउंड बन जाता है, कमाल है यार। सो कार्बन इतने सारे इसलिए कंपाउंड फॉर्म कर पाता है बिकॉज उसके पास ऐसे 4 वरदान बड़े बड़े मिले हुए हैं। कौन सा? टेट्रा कोवेलेंसी हैव अ जबरदस्त एबिलिटी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स।
दूसरा है कैटिनेशन, डायरेक्ट बॉन्डिंग की अपने ही एटम से जबरदस्त एबिलिटी है। फिर हमने देखा था पॉलीमराइजेशन, इनके कंपाउंड्स आपस में लिंक होके नए नए कंपाउंड बना लेते हैं। एंड नेक्स्ट वॉज आइसोमेरिज्म, यानी कि मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, और बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स में ये प्रॉपर्टी होती है। ओके, होप आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन जो है मजा आया होगा। आगे की वीडियो में एक्सटेंड करूंगा नेक्स्ट पार्ट में।